अरे लम्मा लम मा देखलु ता बंब बनाऊ विचार होगो जब कैलु ज्योति चीनू ना बता होगा जब कैलु अरकुल करावै पेटवा वाह कि कुल करावै पेटवा वाह तमे हरारु के आपने जीना पढ़ावै कुल कराओ ए पेटवा वाह वाह क्या बात है बाह, 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 क्या बाह। कि मैं हमता कि हम हताता यही गरीबी में ओना के पढ़ा वाली और सफाई करनी का नौकरियां हम बिता वाली आ इतना दिन का दिन जब बीत गेल तब ना जानत रहू को सफाई करनी में अच्छा और दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात मैं हूं आपके साथ रमन उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के पलटूपुर ग्राम सभा विधानसभा मछली शहर के अंतर्गत मौजूद हूं बातचीत करने के लिए हमारे साथ वारल नेहू जो पाँच किलो राशन वाले एक बार फिर से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसी पर्चे के मोहताज निरहू नहीं है लेकिन इस समय एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति जो आलोक मौर्य उनकी मामले को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है निरहू को लेकर अब बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले निरहू जी आपका बहुत स्वागत भैया आपके चैनल में बार बार पहलगी नमन बा आपके चैनल से बंदगी बा और जितना लोग भैया हमारे लखत हुए हैं सोता बड़े भैया लोग से हाथ जोड़ के विनती बा और भैया का प्यार दुलार आशीर्वाद जैसे मिलल बा पाँच किलो वाले पे उसे हमें पूरा विश्वास और भैया लोग का प्यार दुलार हमको मिली बाबू सोशल मीडिया के आम आदमी निरहू जी नहीं है लगातार उत्तर प्रदेश के हर मोबाइल के उस पेज पर इस समय भी देखे जा रहे हैं कि समय आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो ट्रेंडिंग मामला चल रहा है उसमें बहुत ही बेजोड़ इनका स्थान है ये बताइए कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य जो पति पत्नी का मामला ट्रेंडिंग पे चल रहा है आप ऐसे किस में बयान देने लगे इसमें देखा बड़े भैया हो जब सारी दुनिया ही है बतिया कहत बा तो भैया तो हम सुनत बाई वह चीजिया यह तो समझत बुझत बाई कि ऐसा जौन हुआ गरीब एक इंसान छोटा या पदवी पर रहा है या बड़ पदवी पर रहा है पदवीत पदवी होता है यहाँ तक लोग पैसा जमा करे पे उ छोटा पदवी नहीं पावत हन मानता कि नहीं लेकिन वो आदमी केहू के मतलब अपने पत्नी के उ पढ़ाई लिखाई के आगे बढ़ाए जी ता जब वो उनका विचार का हुआ कि मतलब जब हम पढ़ाई लिखाई हमारा आदमी अच्छा हो या ख़राब हो या आदमी तो आदमी होते तो वो हमें आगे जब बढ़ाए तो हमार का विचार होता है कि जब हमारा आदमी आगे बढ़ाए बा तो हम उनके वैसे ही देखी वैसे ही उनका प्रेम व्यवहार करी ये जानी थे कि औरत मनसेदु के ऊपर ना होते जी। ठीक लेकिन वो सोचेन कि इतने बड़े ऊँची पदवी हम चला गए तो इनके संगे हम गुजारा करते हैं ना ठीक बा तो हम अपने लेबल का हेरी अरु करे पहले का है ना ले रहू। तो इस बात को लेकर इस पर गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं ज्योति मौर्य और आलोक को आप? का भैया सही को दही कहन दूध का बना खोआ और चलती के रोल कहन देख कबीरा रोआ तो ये के खातिर हम हुए कहिला कि बारे ज्योति गजब कैलू ज्योति अरे गजब कैलू ज्योति हो कहीं का जब कैलू ज्योति तब गई गलू भतार हो गूँ भूलि गलू भतार हो जब कैलू ज्योति अरे <laughs> लम्मा लम्मा देखलू राय रो 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 हय अरे <laughs> लम्मा लम्मा देखलूँ तब बनाऊ विचार हो गजब कैलू ज्योति <laughs> चिन्हू ना भतार हो कैलू असन तो है ना करे चाहत रहा सारी दुनिया भैया ये कुल देख के वीडियो ताना मारत बड़े भैया और कितना बहन और मतारी बिटिया सब अपन बिटिया पढ़ावत है लोग अपन औरत पढ़ावत हुए लेकिन वीडियो देख करके भैया सब सके एकदम सीना फाट गया सीना एक नाते फाट गया कि जब ऐसा ज्योति कह सकती कि जाना हम लोग मेहर पढ़ी लिख के आगे बढ़े तो ऐसे हरों के ठोकराए तो एक नाते लोग देखा भैया पढ़ाई बंद कराई दिया न कहें कि नहीं अब चला तू आ छाप ठीक बा रड़ुआ हाफ जनाम भर लेकिन मतलबी यार न मिले बा एकदम सुनाओ अब दोस मिला ही मगर गद्दार दार न मिले क्या बात एकदम हो जाए फिर जीरो वाट पेटारी एक नाते हम कहीं थे किसौर भईल बाटे पूरा संसार में आहा हा, हा मारे क्या बात है किसौर भईल बाटे पूरा संसार में त ज्योति फंस गई दूसर भतार से आहा हा क्या बात है कि ज्योति फंस गई दूसर भतार से <laughs> किरज कि को कहले ना हे में विचार के रच को विचार करे होती तो ऐसा कहे के दुनिया के न मिलत देखा बात के दरे बात न होला बात रोवेला दिन के दरे जब रात ना होला रात टोएला तो ऐसा तू करे तु तु है है। कभा, कभा ना हो तू तो कि मन तू का होते नोति गई दूसर भतार से है, क्या बात भैया आप अच्छी तरह जाना था अब भाइयों से पूछ बातचीत कर जारी रखेंगे लेकिन निरहू जी भी एक कहीं न कहीं बड़े ही ग्रामीणांचल के अच्छे कलाकार हैं ये अपने विचार को पर रख रहे हैं मैं थोड़ा सा उनकी बातों को लेकर इनसे पूछताछ कर रहा हूं क्योंकि हर वह कलाकार इस इस घटना को कहीं न कहीं कांड बनाकर गा दे रहा है कहीं छोटे मोटे कलाकार कैसेट बनाकर गा दे रहे हैं तो निरहू जी सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत के दौरान अपने गीत के माध्यम से लोगों को संदेश भी दे रहे हैं इन लगातार पाँच किलो राशन वाले निरहू से बातचीत मैं कर रहा हूँ निरहू जी जिस तरह से घटना उत्तर प्रदेश की छोटी घटना नहीं है भारत के कोने कोने और विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है बड़े पोस्ट की स्टीएम को आप जान ही सकते हैं कि स्टीएम की पावर कितनी होती है और जिस तरह से आलोक मौर्य उसको आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी के ऊपर कितनी आप आलोक मौर्य को सही मानते हैं और ज्योति मौर्य आप कितना सही मानते हैं आप देखा बड़े भैया हो हम तो वही कह कि चाहे हम हो चाहे तू हो चाहे पूरे उत्था में जितना जने लोग हैं सब भैया के ऊपर ही हम कह कि देखा कि लोग यही सोचे है कि हम मान लें पढ़ लिख के उथा पे हम नहीं पहुंच पाए केहू का इच्छा दिल कहत बा पढ़त लिखत ओकर आत्मा जुड़ा बा ता सपोर्ट करा ओके okay, आगे बढ़ावे बढ़ावा यो सोच के अलोक मौर्या अपने लिए भलाई के बहुत बढ़िया सोचे कि हमारे परिवार सुखी से चले कोनो पदवी पे मिल जाए तो पैसा कौड़ी हो जाए घर दुवार बन जाए महल अटारी जीरो आठ पैंतालीस सब कुछ जी। लेकिन उनके सोचे के चाहे ए, ए ज्योति मौर्या इतना भारी गद्दारी करे है कि जान ले मुँह में राम बगल में छूड़ी कब पाई उतार ली मुरी वाह उनकर कहानी ये है कि अब जब तक जो कहें सही सही जब दही दही जब चेतन तब सही सम्मत तो, तो दही दही भई रह मतलब कोनों के नहीं पढ़त लिखत रहन और आओ आव आओ जब लगा रहा वहीं उनका प्यार चल लगा तो प्यार के ऐसा कहानी वो में फैलाए दहीन कि आज सारी दुनिया जो हुआ उनके देख करके सब अपने पत्नी के

इतना तो नाराज़ चलत बहन भैया वही सोचत बहन ना कि आज जैसे अलोकमरिया बेचारू अपन टांग अपने टंगारी से काटें मतलब पढ़ाई लिखाई ना होतेन अठा चाप रही होतीन तो आज वो दूसरे के लगे जातेन ना दूध उठे उनके लड़किया लड़की बहन तो वो अपने में झेलती न हो लेकिन वो पढ़ी लिख लीन जब इतना बड़ी मतलब पदवी पर गीन हो तो वो सोचिन कि अब हम इनका के साथ हम अपन कैसे अब जीवन बिताऊ अपने पदवी के अपने उठा पर हेर लागिन मान ना तो अपने पे जब हेरै लागिन बड़का भैया तो का करब ये भैया भा हो जबाना वह बाट है कि अब कहे कहवा को मजा ना ह लेकिन अलोक मौर्य बेचारू इसमें रोवत बाहन सारी दुनिया का, बा। का कहता सारी दुनिया कहत हाथ बाट है ये भैया हो कहे की कुले करा वही पेटवा अरे कुले करा वही पेटवा की कुले करा वही पेटवा हरारू के अपने जीना पढ़ा वही कुल करा वही पेटवा की मेहरी के कर मेहरी के तानी को जीना पढ़ा वही कुल करा वही पेटवा अब कहा थे बुढ़े जाए के है भैया तो अभी टीवा कहीं तक अच्छा हाँ ये नहीं कहना पढ़े बा कहना बात नहीं हो कहाँ हमार यहाँ जहाँ ड्यूटी करे बा पढ़े ना आए बा अरे बाप रे बाप हमारा बा, बा, लड़का ये से करे बा वैसे करे बा भले पाँचे तक पढ़े रहे लेकिन पाँच से दस तक अपने लड़की के पढ़ाई हेरत है पतो ते ऐसा नहीं करे बड़का भैया हो कि यही नतीजा जो हुआ आई जाए कि जे जे पढ़ावा दबा उ बेचारे जौन हो लिया लिए घरे बैठा हाँ बहुत तकलीफ होते हैं इतना तकलीफ होता है बड़े भैया ने कि पूछब जी ने कर लेकिन भैया सब से सबसे हाथ बिनती जोड़ के नहीं हुआ पलटू वाला पाँच किलो वाला कहा था बाड़का भैया लोग अपने परिवार के जे था, लिखावा था हुआ और पैसा खर्च करता समय बर्बाद करता तब बस भैया उनके साथ ऐसे जुड़ा रहा ऐसे सब मेहरारू न हो जाए जैसे ये हो गए आलोक आलोक मौरिया के औरत जी ज्योति मौरिया तो ज्योति मौर्य की बातचीत को लेकर लगातार बातचीत हमसे निरहू से हो रही है निरहू जी ने संदेश भी दिया है कि कुल पेटवा और मेहरी को जिन पढ़ाई तमाम ऐसे अपनी भाषा में गीत को माध्यम से समझाए हुए हैं लेकिन मैं चाहूँगी अपने गीत के माध्यम से अन्य महिला जो पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं अरे मोर भैया हो हाल <coughs> <coughs> मजी में हर सवाना हो बा जिओ सर कहाँ ही रिमाजी माँ बारा साई सा वा हो पिया ये इलेना घरावां रिमाजी माँ बारा साई सा वा हो पिया ये इलेना घरावां कहाँ ही तड़पे यालकुमारिया क्या बात है अरे सोचंया लोक मौरिया तने अच्छा नावा होी मनी ना कहा नावा है ना रे तडपै्या लोक मौरिया तने अछा नामा हो रिमन कहा नावा मनीना कहा नावा भैया मन ना <Roger's>. कि मनी न कहनामा ना नीना के केक से करब हम बानामा हो रानी रा आमा निना कहना माँ छोड़ दहीन हम कानामा हो रानी रा आमा निना कहना काें हम त कि हम तब तो यही गरीबी में और सफाई करनी का नौकरी बीतावली इतना दिना का दिन जब बीत गए तब कि वो सफाई करनी में है हाँ दू दू लिया लैकी के माई हऊ और तू बिसर गयलू अरे अलोक मौरिया का ना मोर कहा और सब भैया से कहलायना बयानवा हमारे टांग काट के नारे पेटवा में छुरी भोगे यार पेटवा में छुरी भोग गैली तने ते अचानवा हो रानी मानिना कहा ना का हमारे तो छुरी भोग दिन लेकिन सब भैया लोग पढ़ावत जा, जे जा इचन करे इचन पाए तो कल जो पलटू पलटू वाले बातचीत कर रहे हैं हालांकि मैंने कई बार इनसे बातचीत भी किया है ये छोटे से मामले को लेकर हमने बातचीत किया है और जिस तरह से निरहू जी हमसे बातचीत कर रहे हैं छोटी घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है एक हमारे इनके बगल इनके पड़ोसी है मैं इनसे बात करूंगा तो इस घटना को क्या कहना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से ऐसी भैया ऐसा हो गई जी की ऐसा अब पढ़ाई लिखाई बेकार बा कहत इनका कि कि हमारा बतिया ते मान ले सनवा रे नहीं तो के लती आए देव गो खानावा लत्ती आये देव गो कि की हमारा बतिया ते मान ले सनवा रे नहीं लत्ती देव गो अरे हमारा बतिया मन बेना तब भगा देव गो खनवा ते तो यही नाते आजकल पढ़ाई बेकार लेकिन आप किसको <laughs> आलोक मौर्या यानी ज्योति मौर्या वाली बात है ज्योति मौर्या तो, कहा ज्योति मौर्या कह रही है हाँ हाँ ज्योति मौर्या कहा था कि <laughs> अब भैया तू बेकार है नया अच्छा। तो अब हमें मिला बाट नया सनवारे तई छोड़ के भाग जोगो खनवा और नहीं ही तो लतिया अब तो के अपना जनवा हो हमार बातिया मान ले क्या बात निक्या है बार ये बात इनका फेरी भी, भी मैं चाहूंगा भैया थोड़ा दिखाइएगा फेरी वाले हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं निरहू की आप पता न कहाँ से आ जाते और पूरी तैयारी के साथ अपनी गीत को सुनाते हैं लेकिन और सकते हैं आज छोटी घटना अगर होती तो कोई जानता नहीं ये कपड़ा बेचते हैं फेरी इनका ठेला मैं चाहूंगा अपने साइकिल के पास आप चलिए और निरहू आप भी आइए देख सकते हैं आप इनका ठेला है आप फेरी करते हैं तो कैसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी जान रहे हैं भैया ये नेट पे चल रहा है नेट पे चल रहा है देखिए छोटी आज अगर कहा जाता है कि फेरी वाला जब इतनी बात जान सकता है तो बड़ी घटना है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह घटना वायरल हो रही है हम लोगों का लोगों की कई प्रक्रियाओं को हम लोग भी ले रहे हैं निरहू से भी लिया गया और इनसे भी लेकिन कुछ और कहना चाहते हैं आप कह भैया कि भाई ऐसा एशन... पढ़ाई अब लिखाई बेकार बा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य उनके पति पत्नी का दोनों मामला बड़ा ही उत्तर प्रदेश में ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है सभी की प्रतिक्रियाओं को लेने के लिए हम लोग भी हर एक जगह जाकर बातचीत कर रहा हूँ हमारे साथ पाँच किलो वाले राशन निरहू जी मौजूद थे एक फेरी वाले भी इनके क्षेत्र में आ गए जिन्होंने भी अपने गाने के माध्यम से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को नसीहत दी है अब आलोक मौर्य ज्योति मौर्य इनके नसीहत से कितना समझ जाते हैं अब तो आगे की बात हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन ऐसे पोलिटिकल तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं लगातार हाजिर रहूँगा देखते रहे हिंदुस्तान की बात जय हिंद जय जह भारत